और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, नीट यूजी मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस मुद्दे को लेकर के सामने आ गया है। और ये जो बड़ा फैसला है वो ये है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी, तो दोबारा स्टूडेंट्स को एग्जाम यानी कि री एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठना होगा, दोबारा परीक्षा से छात्रों पर असर होगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको हम बता दें छात्रों की तरफ से भी, कई छात्रों की तरफ से ये बात कही गई थी, याचिका लगाई गई थी कि वो दोबारा एग्जाम में नहीं बैठना चाहते हैं। परीक्षा में खामी को लेकर के कई वहां पर याचिकाएं लगाई गई थी। परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसमें यह बड़ी बात कही गई है, जिसमें री एग्जामिनेशन को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी कि दोबारा जो परीक्षार्थी थे उनको फिर से नहीं बैठना होगा नीट यूजी परीक्षा को लेकर के। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उससे छात्रों पर असर पड़ेगा, इसीलिए दोबारा परीक्षा किसी भी मायने में सही नहीं है। तो आपको हम बता दें कि बहुत बड़ा मुद्दा था, कई छात्रों ने इस पर याचिका लगाई थी, कई छात्र ये कह रहे थे कि दोबारा से उन पर प्रेशर आएगा, दोबारा से उसी स्टेट से वो नहीं गुजरना चाहते हैं, पूरे साल की उनकी मेहनत जो है वो बर्बाद चली जाएगी अगर फिर से परीक्षा होती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आज ये बड़ा फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं की जाएगी, दोबारा नहीं परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा नीट यूजी परीक्षा का। और रद्द करने की मांग की गई थी, परीक्षा को परीक्षा रद्द करने से 24 लाख छात्रों पर असर होता, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने बड़े तादाद में जो कि स्टूडेंट्स हैं और उन पर असर ना हो, इसीलिए दोबारा से री एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब जब परीक्षा हो गई है, रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं, अब आगे इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, क्योंकि आपको याद हो कि नीट यूजी मामले को लेकर कई जगह से गिरफ्तारियां, बिहार से गिरफ्तारियां, अलग अलग दूसरे स्टेट से गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कई जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पूरी तमाम इस मामले की निगरानी भी कर रही है, देख रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो एक बड़ा फैसला सामने आया है परीक्षार्थियों को लेकर, क्योंकि परीक्षार्थियों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको दोबारा फिर से उसी प्रेशर से गुजरना पड़े, उसी मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़े, और वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, इसलिए कई परीक्षार्थियों की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी, गुहार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गलती की हो उन्हें सजा मिले, लेकिन जिन्होंने पूरे साल इसके लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है, उनको कम से कम दोबारा फिर से उस मेंटल प्रेशर से, उस मेंटल ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े, उनका साल बर्बाद होगा, करियर आगे उसको लेकर के उन्हें परेशानी होगी। इसी बात को देखते हुए तमाम जो इस पूरे मामले में सबूत दिए गए, गवाह सामने आए, तमाम तरह की जांच एजेंसियां जो हैं उन्होंने अपने अपने चीज़ें सामने पेश की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए उसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है।